औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। मेरा नाम ज़ैद अहमद है और मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स का टीचर। हमने नाइन्थ क्लास के लेक्चर सीरीज का आगाज़ किया हुआ है। हम यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 1.3 को हमने शुरू किया हुआ है। आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 4 करना है। चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर फोर में वो क्या कहता है? कहता है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस। हमने इंडिकेट ऑपरेशन करना, इंडिकेट ऑपरेशन से मतलब वो ऑपरेशन जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है, जिसकी तरफ वो बता रहा है कौन क्वेश्चन पूछने वाला है। अगर क्वेश्चन पूछने वाला कहता है इसको पहले प्लस करो, तो हमने पहले प्लस करना है। फिर कहता है तो माइनस करो, तो हमने उसको माइनस करना है। तो जो से वो ऑपरेशन कह रहा है हमने वो परफॉर्म करने एंड सिंप्लीफाई, फिर हमने उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, हमने उसको शॉर्ट करना है, तो सिर्फ करना। हम सिर्फ इंडिकेटिव ऑपरेशन को परफॉर्म करते जाएंगे, वो सिंपली ऑटोमेटिकली होता रहेगा। पार्ट नंबर 1 के अंदर देखिए क्या कहता है। कहता है ये दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास, ये दोनों आपस में ऐड करें, उसके बाद जो आंसर है उसको बाहर वाले मैट्रिक्स से ऐड कर दें। अभी हम पहले इन दो मैट्रिसेस को ऐड क्यों कर रहे हैं? ये देखिए यहां पे ये दो हमें ब्रैकेट्स नजर आ रही है। मैथमेटिकल रूल क्या कहता है, जब भी ब्रैकेट्स हमारे पास आ जाए हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं बिट मैस के मुताबिक। पहले ब्रैकेट्स को हमने सॉल्व करना है, तो पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट होगी हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये देखें, ये 2x2 का एक मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। हमने रूल ये पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो उनको हम आपस में ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। अब चूंकि इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है तो हम इनको आपस में ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए हम पहले मैट्रिक्स की पहली एंटिटी को दूसरे मैट्रिक्स की पहली एंटिटी के साथ ऐड करेंगे 1+0, फिर सेकंड एंटिटी को सेकंड के साथ 0+2, फिर थर्ड एंटिटी को थर्ड के साथ, फिर फोर्थ एंटिटी को फोर्थ के साथ, और इस बाहर वाले मैट्रिक्स को हम एज इट इज लिख देंगे। जी अब इन दोनों को आपस में हम ऐड करते हैं। 1+0 दैट इज इक्वल टू 1, 0+2 दैट इज इक्वल टू 0+3 दैट इज इक्वल टू 3, 1+0 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 1 1 0। अब देखिए हमारे पास ये दो मैट्रिसेस आ गए, दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रहे हैं। इसका भी 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, तो दो 2x2 के मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। 1 में इस 1 को ऐड कर दें, 2 में इस 1 को ऐड कर दें, 3 में इस 1 को ऐड कर देंगे और 1 में इस 0 को ऐड। फाइनली हमारे पास इसका जो आंसर आया वो आया 1+1 2, 2+1 3, 3+1 4, 1+0 1। ये हमारे पास इसका आंसर। मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। पार्ट नंबर 2 क्या कहता है? पार्ट नंबर 2 में कहता है कि आपने पहले इन दो मैट्रिसेस को आपस में सबट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये दोनों आपस में ब्रैकेट के अंदर है। इनको सबट्रैक्ट करने के बाद हमने इसको फिर इस मैट्रिक्स के साथ क्या करना, ऐड कर देना। तो चूंकि हमने पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो हम बाहर वाले मैट्रिक्स को एज इट इज लिखा देते हैं 1 0 0 1। 1 0 0 1 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसके बारे में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर डिटेल पढ़ा था। जी अब देखिए ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। हमने रूल ये सीखा था कि जो दो मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर सेम हो आपस में ऐड या सबट्रैक्ट हो सकते हैं, तो इन दोनों को आपस में हम सबट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो फर्स्ट एंटिटी 0-1 देन 2-1 देन 3-1 देन 0-0। इस मैट्रिक्स को फिलहाल अभी हम ऐसे एज इट इज डाल देते हैं 1 0 0 1। अब 0 में माइनस 1 ऐड करें, शाबाश। 0 के साथ कोई साइन नहीं है, 0 के साथ कोई साइन नहीं होता हमारे पास माइनस 1, तो ये 0 को जो माइनस 1 को ऐड किया तो हमारे पास माइनस 1 ही इसका आंसर आ गया। 2 में से 1 को सबट्रैक्ट किया माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1, क्योंकि 2 का साइन बड़ा है, प्लस का साइन इसलिए इसके साथ 1 आया, साथ प्लस का साइन आ जाएगा। 3 में से 1 निकाला
2 आ गया और 0 में से 0 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, हां प्लस माइनस। अब ये भी देखिए 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, इन दोनों को आपस में हम ऐड कर सकते हैं 1 प्लस माइनस 1। अब यहां पे एक बात समझिएगा, हम दो साइंस को इकट्ठे नहीं लिख सकते। मैथ कहता है अगर आपने दो साइन को एक साथ लिखना तो आप उसको ब्रैकेट डाल के सेपरेट करें, तो लिहाजा इसलिए मैंने यहां पे इसकी ब्रैकेट को पुट किया ताकि इन दो प्लस और माइनस के साइन को आपस में हम सेपरेट कर सकें। 0 प्लस 1 देन 0 प्लस 2 देन 1 प्लस 0। अब इसको सॉल्व करते हैं आपस में, 1 प्लस माइनस जी प्लस को जब माइनस मल्टीप्लाई करते हैं आंसर माइनस होता है 1, 0 को 1 प्लस किया 1, 0 को 2 प्लस किया 2, 1 में 0 प्लस किया 1, फाइनली 1 में समान निकाला 0, 1 एज इट इज, 2 एज इट इज और 1 एज इट इज। देखिए ना क्वेश्चन के ऊपर मूव करेगा था परफॉर्म इंडिकेटर ऑपरेशंस, तो जो 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 इंडिकेटर ऑपरेशंस कह रहे थे इसको पहले कहता माइनस करें हमने माइनस किया फिर ऐड करें हमने ऐड किया, उसको कहता पहले सबट्रैक्ट ऐड करें हमने ऐड किया फिर देन सबट्रैक्ट, फिर कहता ऐड करें अगेन हमने ऐड किया, तो हम जो जो से वो परफॉर्म कर रहे हैं इंडिकेट ऑपरेशंस हम वो कर रहे हैं तो सिंपलीफाई वो ऑटोमेटिकली होता जा रहा है। लेकिन यहां पे हमारे पास तीन मैट्रिसेस थे वो शॉर्ट होकर हमारे पास एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट नंबर 3 में भी देखिए ये ब्रैकेट दी गई है, तो हमने यहां पे सीख लिया दोनों क्वेश्चंस के अंदर पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करने हैं हमें, तो ये 1/3 का एक मैट्रिक्स है, सिंगल कॉलम है, रो है हमारे पास 3 2 1 2 3 1 प्लस। अब इसको ऐड करेंगे, अब देखिए इन दोनों के ऑर्डर देखें शाबाश, इसके अंदर 1 रो 3 कॉलम्स है, इसके अंदर भी 1 रो 3 कॉलम है, और अभी मैंने आपको रूल बताया जब दो मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर सेम हो हम उनको आपस में ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं, तो लिहाजा दोनों के ऑर्डर सेम है तो हम दोनों को आपस में सबट्रैक्ट कर सकते हैं। 1 में से हम 2 करेंगे, अब रूल ये होगा फर्स्ट एंटिटी को फर्स्ट के साथ करेंगे, सेकंड को सेकंड के साथ और थर्ड को थर्ड के साथ, 0 माइनस 2 और 2 माइनस जी। अब इसको सॉल्व करते हैं 2 3 1 प्लस 1 में से 2 निकाला माइनस 1 आ गया क्योंकि बड़ा साइन माइनस किया, 0 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 2 आ गया बड़ा साइन माइनस का, 2 में से 2 निकाला 0। अब ये भी 1/3 का मैट्रिक्स है, ये भी 1/3 का मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स सेम है ऑर्डर के हैं तो आपस में ऐड हम कर सकते हैं, 2 में हम ऐड कर देंगे माइनस 1 को, अब मैंने आपको आउटपुट अभी बताया दो साइन कितने नहीं लिख सकते हम ब्रैकेट डाल के उसको एक सेपरेट करते हैं, 3 प्लस माइनस 2 और 1 प्लस 0। अब इसको सॉल्व करते हैं 2 प्लस माइनस माइनस 1, 3 प्लस माइनस 2 और 1 प्लस 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 में से हमने 1 को माइनस किया 1, 3 में से 2 निकाला 1 और ये हमारे पास 1 है। हमने परफॉर्म इंडिकेट किया जो सा ऑपरेशन वो बता रहा था उसको इंडिकेट करते हुए हमने इसको सिंपलीफाई कर दिया। मूव करते हैं इसके पार्ट नेक्स्ट पे जी, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करने का तरीका भी सेम है जिस तरीके से हमने पिछले पार्ट्स को सॉल्व किया। पार्ट नंबर 4 में देखें ये पहला मैट्रिक्स हमारे पास एक 3/3 का एक मैट्रिक्स है और ये भी 3/3 के मैट्रिक्स है, जब दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हम आपस में उसको ऐड कर सकते हैं तो लिहाजा हम इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने का रूल सेम है फर्स्ट एंट्री के अंदर, फर्स्ट ये 1 इस 1 के साथ क्या होगा ऐड हो जाएगा 1 प्लस 1, ये 2 इस 2 के 1 के साथ ऐड हो जाएगा क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, ये 3 इस 1 के साथ ऐड हो जाएगा, इस तरह ये माइनस 1 इस प्लस 2 के साथ ऐड हो जाएगा, माइनस 1 इस प्लस 2 के साथ ऐड हो जाएगा और ये माइनस 1 इस प्लस 2 के साथ ऐड हो जाएगा, देन इस 0 को हम ऐड कर देंगे 3 के साथ, देन 1 को ऐड कर देंगे हम 3 के साथ, देन इस 2 को ऐड कर देंगे हम 3 के साथ। अब इनको आपस में परफॉर्म कर लेते हैं, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, माइनस 1 प्लस 2 1, माइनस 1 प्लस 2 1, माइनस 1 प्लस 2 1, 0 प्लस 3 3, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 3 5। देखिए हम उसके इंडिकेटर ऑपरेशन को परफॉर्म करते जा रहे हैं और क्वेश्चन खुद ब खुद ही सिंपलीफाई होता जा रहा है। सेम पैटर्न का पार्ट नंबर 5 है, ये भी 3/3 का एक मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 का एक मैट्रिक्स है, तो हम इसको परफॉर्म करते हैं। अब फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ 1 प्लस 1, देन 2 को ऐड कर देंगे 0 के साथ,
देन 3 को ऐड कर देंगे माइनस 2 के साथ, देखिए माइनस 2 था इसलिए मैंने ब्रैकेट डाल के उसको सेपरेट किया, 2 को ऐड कर देंगे इस माइनस 2 के साथ, फिर देन हम 3 को ऐड कर देंगे हम इस माइनस 1 के साथ, देन 1 को ऐड कर देंगे हम 0 के साथ, देन इस 3 को ऐड कर देंगे 0 के साथ, देन इस 1 को ऐड कर देंगे 2 के साथ, देन इस 2 को ऐड कर देंगे माइनस 1 के साथ। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनके परफॉर्मेंस को ऑपरेशन ऑपरेट करना है, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस माइनस माइनस 2, 2 प्लस माइनस माइनस 2, 3 प्लस माइनस माइनस 1, 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस माइनस माइनस 1। अब जोन से एलिमेंट्स सॉल्व होना रहेगा वो सॉल्व कर लेते हैं, 2 सॉल्व हो चुका है, 2 सॉल्व हो चुका है, 3 में से 2 निकाला हमने 1 आ गया, 3 माइनस 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 1 2, 1 एज इट इज, 3 एज इट इज, इसका 3 एज इट इज, और ये 2 माइनस 1 2 में से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ। मूव करते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट के ऊपर, लास्ट पार्ट बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह है। इस क्वेश्चन नंबर 6 में भी, पार्ट नंबर 6 में भी हमने पहले इन दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट के साथ ब्रैकेट्स में आ रहे हैं, उसके बाद आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब दोनों ये 2 बाय 2 के मैट्रिक्स से आपस में ऐड हो सकते हैं, तो 1 प्लस 2 2 प्लस 1 0 प्लस 1 1 प्लस 0 इनको आपस में ऐड कर देंगे प्लस, और लास्ट वाला मैट्रिक्स 1 1 1 1 बाय एज इट इज लिखेंगे। 2 में 1 को ऐड किया हमारे पास आ गया 3, 2 में 1 ऐड किया 3 1 1 प्लस 0 1 प्लस 1 1 1 1 एज इट इज जी। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं, 3 प्लस 1 3 प्लस 1 1 प्लस 1 एंड 1 प्लस, इसको आपस में सॉल्व कर लेते हैं, 3 प्लस 1 4 3 प्लस 1 4 2 प्लस 1 प्लस 1 2 और 1 प्लस 1 2। तो क्वेश्चन दोबारा देखें, कहता है परफॉर्म इंडिकेटर ऑपरेशन, जो जो से ऑपरेशन को कह रहा था प्लस माइनस के हम करते गए और क्वेश्चन खुद बहुत ही सिंपलीफाई हो गया। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब तक बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अल्लाह।